सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बॉलीवुड में सपोर्टिंग रोल से नेशनल अवार्ड जीतने वाले नाना पाटेकर अपना 68वां जन्मदिन मना रहे हैं। हाल ही में नाना पाटेकर पर एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। इस वजह से नाना काफी मुश्किल में पड़ गए थे। नाना पाटेकर ने फिल्मों में लीड हीरो का रोल कम ही निभाया है। इसके बावजूद नाना ने अपनी एक्टिंग की बदौलत हीरो को भी मात दे दी है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में जन्मी नाना की पहली फिल्म गमन थी, जो 1978 में आई थी। फिल्मों के अलावा नाना की पर्सनल लाइफ में काफी उथल पुथल रही है। शादीशुदा होने के बावजूद नाना पाटेकर को 90 के दशक में एक खूबसूरत एक्ट्रेस से प्यार हो गया था। ये एक्ट्रेस थी आयशा जुल्का। वैसे तो आयशा का नाम कई एक्ट्रेस के साथ जुड़ चुका था, लेकिन नाना के साथ जब रिलेशन में आई तो खूब चर्चे हुए। साल 2003 में आयशा ने नाना पाटेकर के साथ फिल्म आज की। इस फिल्म में दोनों ने खूब बोल सीन किए। फिल्म में आयशा और नाना के बीच में इंटीमेट सीन भी फिल्माए गए थे, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और लिव इन में रहने लगे। हालांकि नाना शादीशुदा थे, उस वक्त मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर के बीच भी नजदीकियों की खबरें थी। आयशा और नाना के अफेयर की खबरें अखबारों में भी छपने लगी। ये न्यूज सुनकर हर कोई हैरान था कि नाना जैसा कड़क स्वभाव वाला व्यक्ति रोमांस भी कर सकता है। वहीं मनीषा भी नाना पर जान छिड़कती थी, वो उनके लिए काफी पॉसेसिव थी। खबरों के अनुसार मनीषा को नाना का अपनी कोस्टार से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं था। एक दिन मनीषा ने आयशा को नाना पाटेकर के साथ उनके कमरे में देख लिया। इस पर मनीषा भड़क उठी और चिल्लाने लगी। मारपीट की भी नौबत आ गई थी। तब नाना ने मनीषा को समझाकर शांत किया। इस घटना के बाद मनीषा नाना पर पत्नी से तलाक लेकर शादी का दबाव बनाने लगी। लेकिन नाना किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते थे। नाना के इस व्यवहार से मनीषा का दिल टूट गया। इसके बाद उन्होंने नाना से अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।